अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज़ में कि वो जी रेडिएशन लगी और अजीब सा एक हल्क सा आदमी बन गया, और बहुत सारी ऐसी सीरीज़ में आपने देखा होगा हॉलीवुड की कि वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक बहुत ही अजीब सा एक गॉडज़िला टाइप एक चीज़ सामने आ गई। सो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये भी एक साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं, उनमें बस एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो आज जो बात करेंगे हम लोग वो रेडिएशन से रिलेटेड करेंगे कि रेडिएशन क्या होती है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं रेडिएशन के ऊपर कि रेडिएशन एक तरीके की एक समझ लें एक एनर्जी होती है जो डिफरेंट चीज़ों से हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसी एनर्जी के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं, इस एनर्जी में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये एनर्जी बिल्कुल वेव एक लहरों के तरह ट्रैवल करती हैं, और इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। रेडिएशन की टाइप्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और एक न्यूक्लियर रेडिएशन होती है। ज़्यादातर जो हम लोग सुनते हैं वो और जो हमारा एम्फेसाइज होता है वो न्यूक्लियर रेडिएशन की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है या इलेक्ट्रो वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादातर आम ज़िंदगी में भी हमारे यूज़ होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी लो भी होती है और हाई भी होती है। कुछ की फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है जैसे इंफ्रारेड हो गई, दूसरी रेडिएशंस वगैरह हो गई, इवन हमारे माइक्रोवेव के अंदर जो रेडिएशन होती है, सेल फोन के अंदर जो रेडिएशन होती है, तो ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन होती है। रेडिएशन का इस्तेमाल दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में होता है, और ख़ास तौर पर ये हमारे मेडिकल यूज़ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे एक्सरे करवाए जाते हैं, सीटी स्कैन किए जाते हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं जो रेडिएशन की मदद से होते हैं। तो जहाँ इसके रिस्क हैं वहाँ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो रेडिएशन दुनिया की मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है और हमारी डेली रूटीन में भी इस्तेमाल होती है। बहुत सारी दुनिया के ऐसे खाने हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनके अंदर भी जेनेटिकली रेडिएशन पाई जाती है, जैसे बनाना हो गया, पोटैटो हो गए, इस तरह की चीज़ें जिसमें ऑलरेडी इसके अंदर एक रेडिएशन मौजूद होती है, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है जिससे हमें नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए तो डेफिनेटली हम लोग मर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार होगी वो कि इतना तो कोई भी कंज्यूम नहीं करता होगा। और जैसे कि हम लोग सुनते रहते हैं कि दुनिया में इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर ताकतें मौजूद हैं, सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, तो ये उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब भाई किसी मुल्क से हमारा फड्डा है, हम उसके मुल्क में जाके बम फेंक दें, ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर पावर है वो कभी भी अपने उन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता। ये एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि किसी और मुल्क के ऊपर फेंकें, क्योंकि अगर किसी और मुल्क के ऊपर एक्सप्लोजन किया गया तो उसके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे कंट्री पर भी आएंगे। और दूसरी एक बात ये कि तमाम न्यूक्लियर ताकतें जो होती हैं उनके तमाम कुछ कंट्रीज से ताल्लुकात होते हैं, लेन देन होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे बॉम्ब्स वगैरह नहीं फेंक सकते या उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखा जाए तो सिर्फ ये एक ड्रामेटिक एक दिखाने के लिए, एक डराने के लिए एक चीज़ होती है, जबकि इसका इस्तेमाल करना तो ज़रा मुश्किल ही है। वैसे तारीख में दो बार ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स टेस्टिंग में नहीं, मतलब बाकायदा थ्रेट में फेंके गए थे, तारीख में सिर्फ दो बार, एक हिरोशिमा पे और नागासाकी में। इसके अलावा अभी तक कोई एटॉमिक बॉम्ब थ्रेट्स में नहीं फेंका गया। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इवन अमेरिका की बात देखें तो इसने पानी के अंदर, स्पेस में और ज़मीन पर हर जगह न्यूक्लियर टेस्टिंग की है इसने। खैर, अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात हो रही है तो इसी तरह एक मिसाल मिलती है तारीख में, बहुत ही मशहूर और तारीख का सबसे बुरा तरीन एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट शुमार किया जाता है, जो यूक्रेन में हुआ था। जी, 26 अप्रैल 1986 के अंदर यूक्रेन के एक छोटे टाउन शर्नोबिल के अंदर। बहुत ही ज़्यादा, यानी अगर आप इसके ऊपर सर्च भी करें तो आपको लातादाद इसके व्यूज़, लातादाद इस पर रिलेटेड आर्टिकल्स, रिसर्च, इवन इसके ऊपर HBO की एक वेब सीरीज़ भी बनी है जो बहुत मशहूर हुई थी।
जिसके अंदर उस सारे इंसिडेंट को डिपिक्ट किया गया है कि क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या चीज़ हुई थी और किस तरीके से वहाँ लोग मरे, किस किस तरीके से वहाँ से लोग बच के निकले थे। तो ये बहुत मशहूर वाक्य है 1986 का जो चेर्नोबिल के अंदर हुआ था, कि उनके 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे वो ब्लास्ट हो गए थे और उसके अंदर से इतनी इंटेंस रेडिएशन निकल रही थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो विद इन अ सेकेंड एक हाई डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन से एक्सपोज हो गए थे। वेस्ले लिग्नाचेंको, ये वो पहले फायर फाइटर थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था कि चेर्नोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट हो गया है और उसमें से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकल रही है, इसका किसी को प्रॉपरली इल्म नहीं था। जब वो फायर फाइटर उस आग को बुझाने के लिए वहाँ गए तो उन्होंने बहुत अजीब सी चीज़ें देखी कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट उनको महसूस हो रही थी। इवन जो फायर फाइटर सबसे करीब था, ये वेस्ले, उसको अपने हाथ में भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि उसका हाथ जो है जैसे जल रहा हो, और जलते जलते उसके हाथ की स्किन तक ख़राब होने लगी थी ऑन द स्पॉट न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब, और उसका हाथ काम करना भी बंद कर गया था। इवन उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो ज़मीन पर गिर गया था कि उससे काम नहीं किया जा रहा। तो उस वक्त रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि बिल्कुल वो सोर्स के करीब खड़े हुए थे, और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 30 के करीब इंजीनियर्स को मिला के, 3 इंजीनियर्स थे और 27 फायर फाइटर्स थे जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। सिर्फ एक फायर फाइटर था जिसको हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब हुए थे और वो भी कुछ दिनों के बाद स्लोली स्लोली उसकी भी डेथ हो गई थी, तकरीबन 13 दिन के अंदर उसकी भी डेथ हो गई थी। यहाँ पर बात समझने की ये होती है कि एक सिकनेस, एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ARS, यानी एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। अगर कम रेडिएशन पे हो और बहुत ज़्यादा रेडिएशन कम टाइम में अगर किसी को लगी है तो हो सकता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन वो कुछ ही अरसे के बाद ठीक हो जाएगा। उसको तबीयत ज़रूर ख़राब होगी लेकिन ऐसे ऐसे वो रिकवर करता रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रेडिएशन लगी हो और वो थ्रेशोल्ड लेवल से भी बहुत ज़्यादा हो और वो काफ़ी देर तक वहीं पे खड़े हुए हों और उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ हो जो पूरे एक साल में भी नहीं होता, तो डेफिनेटली फिर उनके DNA भी डैमेज कर जाते हैं और उनका रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे तकरीबन 27,000 के करीब लोग इस तरीके से एक्सपोज। क्योंकि इसका किसी ने सोचा ही नहीं था। बाद में जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया कि आखिर क्या फ्लॉज हुए होंगे जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम आई, तो पता ये चला कि रिएक्टर प्रॉपरली डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। बहुत सारे अमले की और इंजीनियर्स की, आर्किटेक्चर्स की गफलत थी जिसकी वजह से ये सानहा दुनिया के अंदर हुआ। ये तारीख का सबसे बदतरीन सानहा शुमार किया जाता है। इस रेडिएशन सिकनेस की वजह से
बहुत सारे बच्चे भी सफ़र हुए, यानी वो मदर्स जो प्रेग्नेंट थी उनके फेटस तक डिस्ट्रॉय हुए, हद तक कि उनके जो बेबीज हुए उनमें भी न्यूरल डिफेक्ट, न्यूरल स्पाइनल डिफेक्ट जो था वो तक शुमार किया गया। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो पता चला कि उनमें इतना न्यूरल डिफेक्ट था, फिर वो बाद में सर्वाइव भी नहीं कर पाए। सिर्फ ये बच्चों में नहीं, वहाँ के जानवरों में भी ये डिफेक्ट्स पाए गए। हत्ता कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो सब्जियाँ थीं, जो फल थे, उनको भी डिस्कार्ड कर दिया गया था कि इनके अंदर भी रेडिएशन कंटामिनेशन शामिल हो गई है। और उनको डर सिर्फ ये इस बात का था कि मौजूद हैं, लोग देखते हैं और ये डेफिनेटली उनको ये सोचने का मौका मिलता है कि क्या चीज़ें हमें अब नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हो। खैर, अभी भी वहाँ पे ऐसी रेडिएशन इफेक्ट्स बाकी हैं, उनके असरात अभी भी बाकी हैं। अगर देखा जाए तो एक और स्टेट है नागासाकी, हिरोशिमा, इसके बारे में तो हर किसी ने पढ़ा है, जहाँ पहला दुनिया का एटॉमिक बॉम्ब गिरा था और लातादाद वहाँ पे कैशुअल्टीज हुई थी, वहां पे आज भी ऐसे इफेक्ट्स पाए जाते हैं। चेर्नोबिल में जो जो लोग सफर हुए थे उसमें से कुछ लोग जिनको लो रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था वो तो रिकवर हो गए, लेकिन वो लोग जो रिएक्टर के बहुत ज्यादा करीब थे और जिनको बहुत ज्यादा हाई एक्सपोजर हुआ था उनके साथ बहुत बुरा हुआ। वो जब हॉस्पिटल्स में एडमिट थे तो सडनली उनके टिश्यूज इतने डैमेज हो रहे थे, इवन उनका डीएनए ब्रेक डाउन हो रहा था, यहाँ तक कि उनके सर के बाल, उनकी स्किन, उनके हाथ बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे, उनकी स्किन गिरना शुरू हो गई थी जिसमें से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता मर गए। इस तरह के लातादात लोग थे जो उस वक्त वहाँ से रिएक्टर से बहुत ज़्यादा करीब थे। तो ये भी रेडिएशन सिकनेस का एक अमल होता है। रेडिएशन में ये नहीं कहता कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इससे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। हाँ, रेडिएशन को सेफ लिमिट में यूज़ करना, इससे हमें बेइंतहा फ़ायदे होते हैं। आज के दौर में यकीन करें, अगर किसी को टीबी हो, ट्यूबरक्लोसिस हो चेस्ट का, और उसको चेस्ट एक्सरे करवाना हो, तो वो इंसान क्या कहेगा कि नहीं यार, मैं रेडिएशन लूँगा तो मुझे एक्सपोजर हो जाएगा, ये तो मेरे लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। ज़रा एक पल के लिए सोचें, उस ज़रा सी रेडिएशन से उसकी कितने कितनी तबीयत बेहतर हो सकती है, उसका कितना फ़ायदा हो सकता है कि उसका अर्ली डायग्नोस हो जाएगा,
अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस पता चल जाएगी कि उसका आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ रेडिएशन के नुकसान हैं वहाँ इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, बशर्त यह है कि हम इसको सेफ लिमिट में इस्तेमाल करें। सो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बताइएगा ज़रूर कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी रेडिएशन से रिलेटेड।